हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, कुछ परिस्थितियां अनुकूल ना होने के कारण हमारे चैनल पे ना ही कोई लेक्चर वीडियो ना ही कोई नोटिफिकेशन वीडियो देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब सारी परिस्थितियां सही है। इसीलिए आज से हम लोग लैब टेक्नीशियन की जो आगामी वैकेंसी है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और साथ में जो हमारे लेक्चर हुआ करते थे उसको भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की जो आगामी वैकेंसी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करें तो आपकी SGPGI की लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपके राम मनोहर लोहिया के जो पैरामेडिकल की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और दूसरा आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है RRB का, यानी कि RRB में जो पैरामेडिकल की वैकेंसी आने वाली है इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इसमें हम बात करेंगे लगभग कितनी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आ सकती है RRB में। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे आपके पैरामेडिकल के द्वारा निकाली जाएंगी। साथ में हमारी जो एलिजिबिलिटी होगी यानी कि कौन कौन से लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे कि लैब टेक्नीशियन में कौन कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, सिलेबस क्या रहता है सर, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे SGPGI की जो भर्ती निकलने वाली है उसके बारे में, और दूसरा आपका जो राम मनोहर लोहिया की द्वारा यहाँ पे जो भर्ती निकाली जाएगी आपके लैब टेक्नीशियन की उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसके बारे में, SGPGI की वैकेंसी के बारे में देखने वाले हैं। तो एक नोटिफिकेशन आपका आया है, कह सकते हो कि आपके PGI के द्वारा जो नोटिफिकेशन दी गई है इसमें बताया गया है कि हमारे, कह सकते हो कि हमारी संस्था के द्वारा कुछ इस प्रकार से वैकेंसी निकाली जा रही है, कुछ इस नंबर में वैकेंसी निकाली जा रही है। इनका जो कह सकते हो DTL जो आपका नोटिफिकेशन है आपको WWSGPGI ठीक है INIMS.org.in पे देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपकी जो पोस्ट की नंबरिंग है यानी कि जो भी पद है उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है, और आपका जो कह सकती हो ठीक है रिजर्वेशन यानी कि जो आपका आरक्षण है ये आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे रखा जाएगा, चाहे वो आपका वर्टिकल हो चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट आपके दिए गए हैं, यानी कि जो नोटिफिकेशन है आपको ये SGPGI की जो वेबसाइट है उस पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो नंबर दिए गए हैं पोस्ट के उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, और जो भी आरक्षण है हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी आरक्षण दिए जाते हैं उन पे भी यहाँ पे अच्छे तरीके से विचार किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मेंशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप A and B, यानी कि आपकी ग्रुप B और C दोनों की यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, और ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है और कह सकते हो ये परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। और कहाँ पे आपका ये जो पोस्टिंग है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, यानी कि SGPGI लखनऊ की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो नंबर है यानी कि वैकेंसी की जो नंबर है ठीक है वो यहाँ पे दिया गया है। नेम ऑफ पोस्ट यानी कि कौन कौन से पोस्ट आपके हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट यानी कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इनका पे लेवल क्या है ठीक है वो दिया गया है, और किस ग्रुप के अंतर्गत इनको रखा जाएगा ये भी यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है भाई, हमें यहाँ पे समझना है केवल लैब टेक्नीशियन का, यानी कि जो लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या यहाँ पे जरूरी बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई तो इनके लिए केवल एक वैकेंसी दी गई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। किसकी भाई साहब, यहाँ पे आपको मिलेगा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, ये वाली, ठीक है। यहाँ से कर लो आप, ठीक है, ये देखो ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूँ कितने नंबर में रहेगी, तो 21 यानी कि टोटल मिला के आपकी 21 वैकेंसी रहेगी आपके, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। पे लेवल आपका जो रहेगा 6 का रहेगा, और आपको ग्रुप सी के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इसमें क्या मांगा जाएगा, डिग्री क्या मांगी जाएगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक भाई साहब। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले जो आपके SGPGI की वैकेंसी निकली थी भाई साहब, इसमें जो आपका ठीक है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है यानी कह सकते हो MLT लिखा हुआ, ठीक है, हाँ MLT, तुम समझ लेना कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें स्पष्ट दिया गया था क्या BMLT, ठीक है, क्या बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया था। तो हमें उम्मीद है कि जो वैकेंसी आएगी उसमें यहाँ पे BMLT मांगा जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया था कि अगर आपके पास ठीक है 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, ठीक है 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और कितने बेड का, तो 100 बेड का, ठीक है, यानी कि 100 बेड का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस 100 बेड के साथ आपके पास होना चाहिए। और जो कह सकते हो कि डिग्री लगेगी वो BMLT की लगेगी, तब आप यहाँ पे पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रहे वहां पे जब मतलब इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें लिखा था BMLT या फिर 2 ईयर का जो है
एक्सपीरियंस ऐसे अवलिक करके लगा हुआ था, ठीक है। एक इस पे बीएमएलटी था और एक दूसरा जो साइंस करके होता है, ठीक है, वो यहाँ पे यानी कि बीएमएलएस जो था वो यहाँ पे दिया गया था और 2 ईयर की वैकेंसी दी थी उसमें, आप सॉरी 2 ईयर का एक्सपीरियंस दिया था, सभी में ऑब्लिक लगा हुआ था यानी कि या करके लगा था, यानी कि या तो आपके पास 2 साल का 100 बिट के साथ एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास बीएमएलटी हो या फिर आपके पास बीएमएलएस हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पोस्ट है ये ज्यादातर चांस यहाँ पे है कि बीएमएलटी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, वो तो बाद की बात है जब, ठीक है, उसके साइट पे अपलोड किया जाएगा डिटेल के साथ तो वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे। लेकिन हम अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहाँ पे जो आपकी एसजीपीजे की वैकेंसी थी उसमें जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट थे उसके लिए बीएमएलटी और जो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट थे उनके लिए यहाँ पे आपका डीएमएलटी मांगा गया था, ठीक है। क्लियर हो गया बात, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि जो बीएमएलटी वाले हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दें। जो सिलेबस है ये ध्यान रखिएगा, जो इनका प्रीवियस ईयर का सिलेबस था यानी कि जो पहली वैकेंसी आई थी इससे पहले वाली उसी के अनुसार यहाँ पे इनकी, ठीक है, सिलेबस को रखा जाएगा, ठीक है। तो वही था, ठीक है, 60 नंबर आपका टेक्निकल से पूछा जाएगा और प्लस आपका 40 नंबर जो है नॉन टेक्निकल से पूछा जाएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की, तो दूसरी जो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से देखने को मिलने वाली है। कहाँ से भाई? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मिलने वाली है। इसमें किस किस का पोस्ट रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आए इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर्म फिलिंग अप वेरियस नॉन, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना नॉन टीचिंग में हम लोग आते हैं, ठीक है, इन रेगुलर स्केल यानी कि जो आपका वैकेंसी रहेगा वो रेगुलर स्केल पे रहेगा, यानी कह सकते हो कि परमानेंट रहेगा। जो पे है वो आपका 7th पे का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में कहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाएगी तो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में यहाँ पे आपकी वैकेंसी जो है निकलेगी, ओके। नेम क्या क्या रहेगा पोस्ट का, तो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट रहेगा, लेवल पे का लेवल 7 का रहेगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे है, ठीक है, टेक्नीशियन असिस्टेंट ENT के रहेंगे, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के रहेंगे। उसके बाद में आपके जूनियर, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहेंगे, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहेंगे, जूनियर आपके फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर रहेंगे आपके बायोमेडिकल के, ठीक है, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। देखो ध्यान रखना, ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आपके पे लेवल जो आपका है 6 का जाएगा और जो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है भाई साहब ये आपका पे लेवल 5 में जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो आपकी वैकेंसी निकलेगी, एक तो आपकी रहेगी, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का और दूसरा आपका रहेगा जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का। तो यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है कि हमें यहाँ पे, ठीक है, ये लग रहा है कि यहाँ पे जो इनकी ठीक है कह सकते हो कि क्राइटेरिया रहेगा कि क्या मांगा जाएगा तो यहाँ पे आपका बीएमएलटी मांगा जा सकता है, ठीक है। बीएमएलटी एक्सपीरियंस का तो हमें अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है, और आपको भी कुछ नहीं पता है क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है, यानी इसका मतलब है कि तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक। तो जो एमएलटी वाले रहेंगे उसमें बीएमएलटी और उसके बाद में जो आपके जेएमएलटी रहेंगे यानी कि जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो रहेंगे उसमें आपका डीएमएलटी मांगा जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग भी सकता है और नहीं भी मांग सकता है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक भाई साहब। अब बात आती है कि सिलेबस क्या हो सकता है सर, तो भाई साहब सिलेबस सेम एज ए कह सकते हो पीजीआई का लेवल का पढ़ोगे उसी में आपका ये भी शामिल हो जाएगा, वहां पे भी आपका 60+40 का यहाँ पे ये रेशियो रखेंगे, ठीक। ध्यान रखना नॉन टेक्निकल तो यहाँ पे आपको देना ही देना है, ये ध्यान रखना क्योंकि कुछ समय बदल चुका है। और मैं अगर मैं बात करूं अभी ESIC का, ठीक है, तो ESIC में बहुत बड़ा, ठीक है, खेला हुआ है कि जो बच्चे पेपर दिए हैं उसमें एक 100 नंबर का पेपर था, दूसरा आपका 50 नंबर का पेपर था। और मैं अगर जनरल की बात करूं तो जनरल में आपको लाना था यहाँ पे आपको 45 नंबर और जो आपका नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन था इस टेक्निकल पोर्शन से आपको 22 नंबर लाना था, ठीक है, यानी कि इसमें आप 45 प्लस रहो और इसमें भी आप 22 प्लस रहो तभी आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है, नहीं तो आप यहाँ पे बेकार हो। यानी कि अगर आप इस टेक्निकल पोर्शन से, ठीक है, इस टेक्निकल पोर्शन से अगर आप यहाँ पे 90 नंबर ले आए हो और नॉन टेक्निकल में 0 ले आए हो या फिर 2-4 नंबर लाए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर हम ESIC के नोटिफिकेशन की बात करें तो अभी तक जो नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है उसके हिसाब से कुछ इस प्रकार से वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा, बाद में क्या होता है इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितने भी बच्चे थे लगभग, ठीक है, 90% से ऊपर 95% बच्चे क्या है जो नॉन टेक्निकल पोर्शन उसमें वो फेल है, ठीक है, 2-4-5 नंबर कोई माइनस में इस तरह से नंबर पाया है और उनका जो टेक्निकल है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, तो इस पे आगे क्या निर्णय आता है कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, ठीक। तो आपने यहाँ पे दो वैकेंसी देखी, एक आप SGPGI की देखे, दूसरा आप यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की देखे, दोनों ही आपके लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड था, ठीक। कैसे यहाँ पे देखना है
आपकी जो वैकेंसीज है WWDRRMLMS, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे देख सकते हो। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ, ये कब आपका वैकेंसी आ जाएगा, तो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग थर्ड वीक फोर्थ वीक, ठीक है, यानी कि आपके मार्च के, ठीक है, तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में आपका ये वैकेंसी जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और इसी 3 से 4 सप्ताह के बाद जो 1 मंथ मिलता है उसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म विल बी 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ द ऑनलाइन लिंक, यानी कि ऑनलाइन लिंक पे जब भी वो डिस्प्ले होगा नोटिफिकेशन, उसके 1 मंथ तक आप वैकेंसीज को यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक। तो ध्यान रखना, अच्छी वैकेंसी रहेगी आप लोगों के लिए, अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना तय हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आरआरबी वाले पे आप क्या कर रहे हो, आरआरबी का क्यों भी नहीं बताया। भैया आरआरबी के लिए हमने पहले ही बता दिया कि इसकी हम डिटेल नोटिफिकेशन लाएंगे, क्योंकि हम लोग को बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना है, इसका पता है, ठीक है। ये आपके आने वाला है और ये भी आपका आने वाला है, ठीक है। और ये जो आरआरबी पैरामेडिकल है ये पहले से अपना नोटिफिकेशन दे दिया है, हालांकि हम लोग बीच में कोई भी वीडियो नहीं ला रहे थे, कोई भी लेक्चर नहीं ला रहे थे, तो आपको पहले से किसी और के माध्यम से पता चल गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल ये करने वाले रहेंगे कि कितनी पोस्टें हो सकती हैं, ठीक है, आरआरबी किस तरह से आपकी वैकेंसी निकालता है, क्या नाम रखता है उनका, ठीक है, वैकेंसी का क्या नाम रखता है, ठीक है। उसके बाद में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ओके, इन सब के बारे में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में या फिर सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा बात, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है मनी तिवारी 123, यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। और दूसरा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये हट चुका है भाई साहब, अब नया व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। नंबर जो है आपका कुछ इस प्रकार से है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो और यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, 10 to 4 आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, 10 to 4 कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, 9532-00-3280, ठीक है, ये आपका नंबर है। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो। प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या इसके लिए कोई बैच लाना है, अगर हमें लाना है तो कैसे आपको पता चलेगा, ये सब के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में जान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।